नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। चैनल पर उपलब्ध वीडियो अगर आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो माधव विद्या भवन दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुराण दिग्दर्शन है। पुस्तक के लेखक शास्त्रार्थ महारथी पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी हैं। 18 पुराणों के सर्वांगीण परिचय के साथ साथ पौराणिक कथाओं के वैज्ञानिक रहस्यों को प्रकट करने वाला एवं पुराण निंदकों के समस्त आक्षेपों का तर्कसंगत समाधान प्रस्तुत करने वाला अद्भुत ग्रंथ। पुराण निंदकों के समस्त आक्षेपों का तर्कसंगत समाधान जो है, ये इस पुस्तक का बहुत ही बड़ा एक थीम है। हमने इसके पहले जो पुस्तकें देखी थी, चार पुस्तक हम देख चुके हैं इसी श्रृंखला में पुराणों के ऊपर, उसमें पुराण विमर्श और पुराण परिशीलन में केवल एक आध जगह पुराण निंदकों का नाम लेके या ग्रंथों का नाम लेके कुछ टिप्पणी की गई है और वहाँ समाधान प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इस पुस्तक में बहुत ही स्पष्ट रूप से और कई सारी पुस्तकों का लेखकों का बिल्कुल स्पष्ट रूप से नाम लेके उन्होंने जो तर्क दिया है, जो भी आक्षेप हैं उनके, उनको प्रस्तुत करके और फिर उसका समाधान प्रस्तुत किया गया है। तो एक तरह से जो डिफ्रेंशिएशन कह सकते हैं इस पुस्तक का उन पुस्तकों से, तो मेनली वो है। और उसके अलावा जो पुराणों का परिचय है, पंचलक्षण पे चर्चा है इत्यादि, वो सब तो इस पुस्तक में हैं ही। तो ये पुराण दिग्दर्शन शास्त्रार्थ महारथी पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी का, पीछे उनका एक चित्र दिया गया है। ये संपादक महोदय हैं श्री प्रेमाचार्य शास्त्री जी और माधव विद्या भवन द्वारा प्रकाशित कुछ अन्य पुस्तकों की जानकारी है। कुल पृष्ठ इसमें 792 है, 792। मूल्य 280 रुपये है। एग्जॉटिक इंडिया से मैंने ली थी, उस समय 25% का डिस्काउंट था, लेकिन फिर शिपिंग चार्जेस तो थे ही काफ़ी। परिवर्धित स्वपरिशिष्ट षष्ठ संस्करण है ये मूल्य है 280 रुपये। समर्पण विश्ववंद व्यास देव को समर्पित है यह पुस्तक। पुराण दिग्दर्शन के संबंध में प्रतिष्ठित विद्वानों की सम्मतियाँ दी गई हैं, प्रतिष्ठित आचार्यों की, स्वामी जी की, ये स्वामी जगतगुरु श्री 108 जगतगुरु स्वामी शंकराचार्य शारदापीठ उनकी सम्मति है, श्री 108 स्वामी श्रीमद अनंताचार्य जी की सम्मति है, इसी प्रकार से कई संतों की सम्मति यहाँ प्रस्तुत की गई है। यहाँ महामहोपाध्याय पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी का भी एक छोटी सी टिप्पणी है, केवल एक लाइन की। इस पुस्तक को छपाकर वितरण करें तो उपदेशकों का और साधारण जन समुदाय का बड़ा उपकार होगा। हमने जो पुस्तक देखी थी बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा प्रकाशित पुराण परिशीलन, वो इनके द्वारा ही थी। और ये शायद संस्करण भेद से यहाँ समिति भी आ रही, क्योंकि उस पुस्तक में पुराण दिग्दर्शन का भी उल्लेख था और एक आध पॉइंट पे वो इनके द्वारा दिए गए जो तर्क हैं या जो लॉजिक है उससे सहमत नहीं थे, तो वही प्रस्तुत करके फिर दूसरी चीज़ अपना तर्क प्रस्तुत किया था पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने पुराण परिशीलन पुस्तक में। और इसी प्रकार से पुराण विमर्श जो हमने आचार्य बलदेव उपाध्याय की पुस्तक देखी थी, उसमें भी पुराण दिग्दर्शन ग्रंथ का ये था, उल्लेख था। और वहाँ भी जो चंद्रमा का गुरु पत्नी गमन वाला आख्यान आता है, उसके संदर्भ में इस पुस्तक में जो स्पष्टीकरण दिया है ज्योतिष के आधार पे या खगोल के आधार पे, तो उससे वहाँ आचार्य बलदेव उपाध्याय की सहमति नहीं थी और उन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन, अपने तर्क वहाँ प्रस्तुत किया। तो इस संदर्भ में दोनों पुस्तकों में पुराण दिग्दर्शन का उल्लेख आया है। पुराण दिग्दर्शन में ये आशीर्वचन है, मूलतः पंडित श्री मधुसूदन ओझा, जिनकी दो पुस्तकें हम देख चुके हैं, उनकी एकाध ग्रंथों का उल्लेख आया है। उसके अलावा ज़्यादातर जो ग्रंथों का उल्लेख आया है वो जो आक्षेप हैं, जिन पुस्तकों में पुराणों पे आक्षेप लगाए गए हैं उन्हीं का उल्लेख आया है। उन्होंने क्या उल्लेख आक्षेप लगाए हैं, किस आधार पे लगाए हैं और उनका निराकरण फिर किया गया है। भूमिका यहाँ कुछ नहीं है, कतिपय पंक्तियाँ दी गई हैं जिसमें ग्रंथ का परिचय मिल जाता है। यहाँ से मैं प्रारंभ करूँगा, कुछ अंश इसका सुना दूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से आइडिया लग जाए कि पुराण जो है, पुस्तक जो है किन विषय पर चर्चा कर रही है। यद्यपि ग्रंथ कलेवर बढ़ जाने के कारण यह ग्रंथ हमारी भावना के अनुसार सर्वांग पूर्ण नहीं छप सका और इसका बहुत सा उपयोगी अंश रोक लेना पड़ा है। कुछ प्रत्यक्ष घटनाएं परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित की जा सकी हैं, तथापि हमने भरसक प्रयत्न किया है कि अब तक पुराणों के खंडन में मुद्रित हो चुकने वाले छोटे बड़े सभी पुस्तकों का समाधान इस अकेले ग्रंथ में आ जाए। तदनुसार सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, पुराण मत पर्यालोचन, ये ध्यान रखिएगा कि पुराणों से संबंधित कई पुस्तकें आती हैं जिनके नाम सेम हैं या मिलते जुलते हैं,
तो यहाँ पुराण मत पर्यालोचन है, एक और पुस्तक आती है वो पुराण पर्यालोचन है, तो वो मेरे ख्याल से इससे भिन्न है। पुराण तत्व प्रकाश, पुराण विमर्श, पुराण विमर्श पुस्तक का भी यहाँ नाम आया है, पुराण विमर्श हमने देखी तो है, तो उसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, केवल काल निर्णय को लेकर शायद आचार्य बलदेव उपाध्याय जो हैं वो अभी जिस रूप में पुराण है उसको थोड़ा अधिक रीसेंट कह सकते हैं वो मान रहे हैं। हालांकि पुराण विमर्श का अंदर नाम लेके मेरे ध्यान से में कहीं नहीं है कि उसका खंडन किया गया हो। कल्यात आर्य मुसाफिर, भविष्य पुराण की प्रेक्षा, सनातन धर्म की मौत, भविष्य पुराण की आलोचना, शिव पुराण की आलोचना, गरुड़ पुराण की आलोचना, सतमत निरूपण, धर्म तुला, राम परीक्षा, कृष्ण परीक्षा, धूर्ताख्यान, पुराणों का के अनमोल रत्न, बम्बम महादेव, पौराणिक भाव चित्रावली और देवताओं के गुलाम, ये जितने ग्रंथ हैं और इनके अलावा भी आदि ग्रंथों का और सद्धर्म प्रचारक बनारस आदि सामयिक पत्र पत्रिकाओं का वह कोई विशिष्ट आक्षेप अछूता नहीं छोड़ा है जिसका कि सभ्यतापूर्ण मुंहतोड़ जवाब इस पुस्तक में ना आ गया हो। हमारा यह दावा कदापि नहीं है कि यह ग्रंथ एकदम मौलिक है, अपितु यह तो सनातन धर्म के अनेक प्रसिद्ध विद्वानों के ग्रंथों, लेखकों और विचारों का ही परिमार्जित सुसंग्रह है। इस पर जहाँ हम सूत्र सयोवासित में गति के अनुसार अपनी गतानुगति का ही नहीं संकोच भाव कह देने के लिए तैयार हैं, वहाँ हमें यह बात प्रकट कर देने में किंचित संकोच नहीं है कि धार्मिक साहित्य के लिए प्रस्तुत ग्रंथ की लेखन शैली और विवेचन पद्धति सर्वथा मौलिक नहीं तो अभूतपूर्व अवश्य कही जा सकती है। तदनुसार हमने ग्रंथ के मसाले को अतीव ठोस बनाने के विचार से अनावश्यक विस्तार में यथाशक्य परहेज किया है और पुरानी नई खड़ी बैठी ठेठ और खिचड़ी सभी प्रकार की प्रचलित भाषाओं को एक समान पूज्य जननी समझकर अपनाया है। तो यहाँ जो ये लिख रहे हैं, जो भाषा है इसमें ऐसी कोई जटिल हिंदी या बिल्कुल या शुद्ध हिंदी आप कह सकते हैं, जैसा इन्होंने कहा है, पुरानी नई खड़ी बैठी ठेठ और खिचड़ी सभी प्रकार की प्रचलित भाषाओं को एक समान पूज्य जननी समझकर अपनाया है, तो उसी भाषा शैली में इसको ग्रंथ को प्रस्तुत किया गया है। और फिर यहाँ अब ये बता रहे हैं कि किसके लिए यह ग्रंथ है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो पुराणों की रक्षा द्वारा अपने पूर्वजों की कीर्ति को अक्षुण बनाए रखने के लिए हृदय और हृदय में कर्तव्य पालन का बल रखते हैं। इसके अतिरिक्त हम सुज्ञ पाठकों को ऐसा अंधविश्वास बांधने के लिए कभी प्रेरित नहीं कर सकते कि इस पुस्तक में जो कुछ लिखा है वह ब्रह्म वाक्य है, बल्कि यह तो मिथ्या लांछनों से पुराण रक्षण का पथ प्रदर्शन मात्र है। यहाँ कहा तक सुव्यवस्थित है, यह तो पाठक ही निर्णय करें, परंतु पुराण निंदकों की हवाई किलों को छिन्न भिन्न करने के लिए रामबाण है, ऐसा मेरा अनुभव है। फिर वो आगे और ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से विषय सूची है, कुल पृष्ठ 720 है, 792 है, 792। पुराण शब्द के ऊपर चर्चा है, अष्टादश पुराणों के नाम हैं, अष्टादश उप पुराण भी दिए गए हैं और उसमें अष्टादश औप पुराण भी दिए गए हैं। कई नाम ऐसे हैं जो पुराण की जगह उप पुराण में आते हैं और फिर औप पुराण में भी आते हैं, लेकिन आज हम उन्हें महापुराण नाम से जानते हैं, तो उसमें इन्होंने तर्क दिया है कि एक ही नाम के अलग अलग भी पुराण हो सकते हैं। संख्या व्यत्ययाभास, शिव और वायु की समस्या, दो भागवत होने का निराकरण, इसमें इन्होंने अब जैसे दो भागवत है तो उसमें भी इन्होंने दोनों भागवतों को माना है कहा, और फिर पुरुष और प्रकृति भेद से उस तरह से प्रस्तुत किया है। वायु और ब्रह्मांड, वायु से शिव या ब्रह्मांड कौन से पुराण वायु पुराण से निकले, वहनी और अग्नि, वहनी को इन्होंने औप पुराण में लिस्ट किया है, हालांकि जब हम अग्नि पुराण देखेंगे तो वहनी पुराण पर भी चर्चा करेंगे कुछ। स्कंद पुराण है या उप पुराण है, उस पर नारद वामन ब्रह्मांड कौर्म और भागवत, इस प्रकार से अष्टादश संख्या विज्ञान, अष्टादश की संख्या क्यों है, ये सारी चर्चाएं जो हैं वो हमें पुराण परिशीलन, पुराण विमर्श ग्रंथों में भी मिलेगी। पुराण क्रम विज्ञान, पुराण क्रम विज्ञान जो है इसी पर पंडित श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी जो है पुराण परिशीलन में इन्होंने जो क्रम एक्सेप्ट किया है उसको नहीं मान रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो अपने सांप्रदायिक कारणों की वजह से उन्होंने वो क्रम माना है, वो क्रम नहीं मान रहे हैं वो अपनी पुस्तक में। अविशिष्ट क्रम, विशिष्ट क्रम और अविशिष्ट क्रम, तो इसमें विशिष्ट क्रम इन्होंने श्रीमद् भागवत में जो दिया गया उसको माना है। फिर लक्षण समन्वय में 18वां पुराण का, लक्षण समन्वय विवेचन में कौन से पुराण जो हैं वो पूर्ण हैं, कौन से संभवतः पूर्ण हैं, कौन से पुराण अपूर्ण हैं और कौन से पुराण हैं जिनको अधिक पाठयुक्त माना जा सकता है।
पुराणांतर पाठयुक्त पुराण, चिंत पाठयुक्त पुराण कौन से हैं, फिर वेदों से तुलना, पुराणों में न्यून अधिक पाठ, पद संख्या की क्या विधि है, प्रक्षिप्त पाठ। प्रक्षिप्त पाठ को भी इन्होंने कई कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है कि किस तरह के पाठ को आपको प्रक्षिप्त मानना चाहिए, किस तरह को नहीं। अपेक्षित प्रक्षिप्त, सांप्रदायिक प्रक्षिप्त, निंदा परिणित प्रक्षिप्त, विधर्मी प्रवेशित प्रक्षिप्त, तो अलग अलग कैटेगरीज़ में करके उसको डिफाइन किया है और काफ़ी अच्छा सेक्शन है ये। धर्म निर्णय में पुराणों का स्थान, फिर प्रमाण संग्रहाध्याय, इसमें इन्होंने रीसेंट से लेकर के फिर पीछे गए हैं और कई सारे कवियों का भी कोट किया है, देव कवि, गिरधर कवि राय, अहिंदू कवि कादिर बख्श, इन्होंने पुराणों के बारे में जो अपनी लेखनी में लिखा है उसको ये यहाँ प्रमाण रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं पुराणों की मान्यता के संदर्भ में। इसी प्रकार से कुतुबन शेख, रस खान, भूषण कवि, कवि केशव दास, कबीर साहब, गुरु नानक जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, इस प्रकार से फिर हम और पीछे चलते जाते हैं, शुक्र नीति, याज्ञवल्क स्मृति, गौतम स्मृति, व्यास स्मृति से लेकर के फिर वेदों तक पहुंच जाते हैं। फिर वेद पुराण परंपरा अध्याय यही है, जैसे जो मतलब बेसिक टॉपिक हमने पुराण निर्माणाधिकरण पुस्तक में देखा था, यहाँ उस टॉपिक पर कि पुराणों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, वर्तमान पुराणों के आदिम श्रोता वक्ता कौन हैं, स्वरूप स्थानापाध्याय, इसमें फिर ब्राह्मण भाग के वेदत्व में 23 प्रमाण, इसमें ब्राह्मण जो हैं जैसे शतपद ब्राह्मण है, तांडव ब्राह्मण है, उसको लेकर भी कुछ आक्षेप हैं तो उसका प्रमाण यहाँ दिया गया है। मीमांसा, न्याय दर्शन, विभिन्न दर्शनों से, विभिन्न भाष्यों से, सूत्रों से, कर्तृ निर्णयाध्याय, इसमें विभिन्न जो आक्षेप आ रहे हैं, शंख चक्र वर्णन, तंबाकू वर्णन का आक्षेप और उसका समाधान, बुद्ध वर्णन का आक्षेप और उसका समाधान, महाभारत में पुराणों के अनुलेख का आक्षेप और उसका समाधान, यमुना क्रांत, तो यहाँ पर जो है पुराण किसने निर्माण किया और कब निर्माण किया उससे संबंधित जो आक्षेप हैं और उससे संबंधित जो तर्क वितर्क हैं उसका यहाँ पर समाधान किया गया है। अब जैसे तंबाकू वर्णन का आक्षेप और उसका समाधान, तो इसमें ये अकबर के समय कोई पुस्तक लिखा गया था, उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि ये कोई ट्रैवलर आए थे और वो अपने साथ तंबाकू और एक दो चीज़ें हैं वो लेके भारत देश में आए थे, उन्हीं से तंबाकू पहली बार भारत में पहुंचा था और पुराणों में जो है वो तंबाकू का उल्लेख है, तो फिर उसके आधार पे जो कुछ आक्षेप करते हैं वो कहते हैं कि तो पुराणों की जो रचना है वो उस समय के बाद हुई, तो इस तरह के तर्क जो हैं उनका यहाँ पे निराकरण किया गया है प्रमाणों के साथ। शैली वर्णनाध्याय, पौराणिक शब्द विचार, जो जिस शैली में पुराण लिखे गए हैं, शब्द विचार, वाक्य विचार, भाषा विचार, उसमें भी वाक्य विचार में किस तरह के वचन होते हैं, रोचक वचन, भयानक वचन, यथार्थ वचन, भाषा भी समाधि भाषा, लौकिकी भाषा, परकीय भाषा, उन सब पे चर्चा है। विषय विवेचनाध्याय, विभिन्न विषयों के में विवेचन है इसमें, जैसे सर्ग हो गया, सृष्टि का विषय, प्रतिसर्ग हो गया, वंश मनवंतर और वंशानुचरित, जो पंच लक्षण है पुराणों के उस पर। वेद पुराण समन्वाध्याय जो है ये सबसे बड़ा अध्याय है और करीब करीब आधा नहीं वो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। वेद पुराण समन्वाध्याय जो है वो सृष्टि विषय, हाँ, इसमें क्या है कि पुराण में और वेद में जो चीज़ें लिखी गई हैं, पुराण में जो चीज़ें लिखी गई हैं सृष्टि के संदर्भ में, उसकी तुल्यता दिखाने कि वेद में भी वही चीज़ें लिखी गई हैं, तो सृष्टि विषयक भावों की वैदिकता, विष्णु के नाभि से कमल, तो इन सब आख्यानों का वैदिक स्वरूप क्या है और वेद में इन सब के बारे में क्या लिखा गया है, किस वेद में लिखा गया है, और जब हम वेद कह रहे हैं तो केवल संहिता तक सीमित नहीं है, संहिता के अलावा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन सब को मिलाकर प्रमाण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। विष्णु की नाभि से कमल, जलज या कमल पर सृष्टि का आवास, सात समुद्र, प्रजापति, दक्ष, तो इन सभी कथाओं में वेद में किस प्रकार से इन कथाओं का या इन पात्रों का कह सकते हैं या इन देवी देवताओं का किस प्रकार से इसमें वर्णन आता है। तो एक जो इन्होंने इनकी जो स्ट्रैटेजी रही है वो, चूँकि पुस्तक जो है वो पुराण निंदकों पे फोकस्ड है, तो वेद और वो जो पुराण निंदक हैं वो वेद को बिल्कुल मानते हैं, वेद तो ये दिखा रहे हैं कि जो पुराण में लिखा है वही चीज़ वेद में लिखा है, तो जब आप पुराणों पे आक्षेप कर रहे हैं तो वही आक्षेप तो फिर वेदों पे भी किया जा सकता है, तो उसको आधार बना के इन्होंने
बहुत सारे विषय जो हैं पुराण में दिए हुए उनका वेद में जिस रूप से प्रस्तुतिकरण किया गया है वो दिखाया है। ये भी काफ़ी बड़ा अध्याय है। फिर संदेहाभास निवारण अध्याय। अब संदेहाभास निवारण अध्याय जो है, जैसे ब्रह्म दुहिता प्रसंग हो गया या चंद्रमा का गुरु पत्नी गमन हो गया, तो ये टॉपिक्स जो हैं ये पुराण विमर्श पुस्तक में, पुराण परिशीलन पुस्तक में भी दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे 7-8 जो सब्जेक्ट हम कह सकते हैं उनसे डील किया गया है और फिर पृष्ठ भी उसी के अनुसार उतने ही डिवोटेड हैं। यहाँ पे संदेहाभास निवारण अध्याय में बहुत सारे टॉपिक लिए गए हैं और देखिए पृष्ठ संख्या 407 से लेकर के 519 तक केवल संदेहाभास निवारण अध्याय हैं, 100 पृष्ठों से ऊपर, और ये जितने हमें टॉपिक दिख रहे हैं वो सब लिया गया है और इन्होंने फ्लो सबका एक ही है। पहले इन्होंने कथा ली है, उसको हिंदी में प्रस्तुत किया है, फिर उसका वैदिक स्वरूप प्रस्तुत किया है। जब वैदिक स्वरूप प्रस्तुत किया है तो उसका मतलब ये नहीं कि ऋग्वेद में ही चार सूक्तों में वो कथा पूरी लाइन से आ जा रही है, कहीं पे वो एक लाइन उसके बारे में ऋग्वेद में मेंशनड है। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ लगातार 3 ऋग्वेद के ही प्रमाण दिए गए हैं और उसी से कथा पूर्ण हो जाती है, लेकिन कई ऐसे हैं जहाँ ऋग्वेद से एक लाइन लिया गया है, फिर शतपथ ब्राह्मण से एक लाइन लिया गया है, फिर उपनिषद से एक लाइन लिया गया है, और इन सब से ये तीनों लाइन मिला के वो कथा पूर्ण होती है और वही कथा पुराणों में एक जगह एक साथ प्रस्तुत की गई है। तो कथा को पहले हिंदी में प्रस्तुत किया गया है, फिर उसका वैदिक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, फिर पुराण में मूलतः वो कैसे आ रही है, मूल उसके साथ, मूल संस्कृत के साथ और उसके अनुवाद के साथ प्रस्तुत किया गया है, दोनों स्वरूपों की तुलना की गई है, और फिर वास्तविक भाव के अंतर्गत उसका आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, इस तरह से अर्थ प्रस्तुत किया गया है। और अन्य, अब जैसे ब्रह्मदुहिता प्रसंग में स्वामी दयानंद की सम्मति, कुमारिल भट्ट की सम्मति, आध्यात्मिक अर्थ, आधिदैविक अर्थ, अन्य मत वालों से दो दो बातें, इस प्रकार से दिया गया। तो ये पूरा वही है। इतने सारे जो संदेहाभास, कहीं कहीं पे थोड़ा सा स्ट्रेच लग सकता है, कहीं कहीं एक दो जगह पे उतना उन्होंने डिटेल में चर्चा नहीं की है, ऊपर जो चर्चा की थी उसी के संदर्भ में फिर थोड़ी चर्चा करके उस आख्यान को लेके फिर आगे बढ़ गए हैं। जैसे मनु के नाक से इक्ष्वाकु, मृतवेन को मथने से पुत्र, अरनिकाट से सुखदेव का जन्म, तो ये एकाधी हैं, बाकी सब में तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है। विश्व विद्या निरूपाध्याय में पुराण में जो विद्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की विद्याएं हैं, जिसमें कि आपका भूगोल आ जाता है, खगोल आ जाता है, आयुर्वेद आ जाता है, आपको विज्ञान हो गया, निरुक्त, शब्दकोश, अलंकार, उन सब के बारे में चर्चा की है। यहाँ एक कलर्ड पॉलिश पृष्ठ है, उस पर जो लेखक हैं शास्त्रार्थ महारथी पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी, उनका चित्र है, मंगलाचरण है, और फिर ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। फॉन्ट साइज छोटा ही है, पृष्ठ की क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन प्रिंट अच्छा है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा हल्का हो जा रहा है, थोड़ी सी जो एक आध अक्षरों में इधर उधर हल्का मिट जाता है वो इशू है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं जिससे पढ़ने में दिक्कत हो। एक पृष्ठ है वहाँ पे छपाई थोड़ी सी हल्की है, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा। उसके अलावा ऐसा कोई बहुत मेजर इशू प्रिंटिंग का मुझे पुस्तक में नहीं दिखा। ये जो अभी हम विषय सूची में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, लक्षण समन्वय विवेचन में पूर्ण पुराण किनको माना जाए, संभवय पूर्ण पुराण किनको माना जाए, तो पूर्ण में भागवत, लिंग, मत्स्य, ब्रह्मांड, संभवय पूर्ण में मार्कंडेय, नारद, पद्म, अपूर्ण में विष्णु, शिव, गरुड़, वामन, वाराह, कुर्म, अधिक पाठयुक्त में स्कंद और ब्रह्म, पुराणांतर पाठयुक्त में अग्नि और ब्रह्मवैवर्त, और चिंत्य पाठयुक्त में भविष्य पुराण। इसमें ये लिखते हैं जिसमें लक्षण और प्रमाण दोनों का ही अभाव हो, साथ ही तुक्कड़ निठल्लों की करतूत से जिसका अधिकांश भाग अश्रद्धेय एवं चिंतनीय जान पड़ता हो, वह अंतिम कोटि में परिगणित होने वाला यथा भविष्य पुराण, खासकर प्रतिसर्ग पर्व कहा जा सकता है। तो ये जो मैं आपको पढ़ के सुनाया उससे आपको पुस्तक की भाषा शैली का अंदाज़ा लग गया होगा। फिर प्रक्षिप्त पाठ किन किन प्रकार का है, हमने विषय सूची के समय चर्चा की थी, अपेक्षित, प्रक्षिप्त और विभिन्न प्रकार के जो इन्होंने दिए हैं, जो विभिन्न कवियों का और ये सब प्रमाण ये दे रहे थे। वहाँ एक इन्होंने पृथ्वीराज रासो करके ग्रंथ का वर्णन किया, इसके बारे में ये कहते हैं, यह हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ है, आर्य समाज के आदिम संस्था परोपकारिणी सभा के मंत्री पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के लेखनानुसार यह ग्रंथ 1120 से 1146 तक का बना हुआ है। महाकवि चंद्र बरदाई इसके निर्माता हैं, जो हिंदी कविता के वाल्मीकि कहे जाते हैं। आप उक्त ग्रंथ के आदि पर्व में लिखते हैं, फिर पुराण से संबंधित जो लेखनी है इस ग्रंथ में उसके बारे में वर्णन है।
हाँ, और यहाँ पर इन्होंने कई जगह जो प्रमाण दिए हैं उसके बारे में ये स्वयं लिख रहे हैं, ये हालांकि मैंने पढ़ते समय भी नोटिस कर लिया था, फिर आगे चल के इन्होंने खुद ही लिख दिया। वेद के मंत्र भाग में किस आदर और गौरव के साथ पुराणों को स्मरण किया गया है, यह उपर्युक्त प्रमाणों में दर्शनीय है। हमने जहाँ तक मिल सके समाजी लोगों का, यानी कि आर्य समाज, समाजी लोगों के किए हुए भाषार्थों को ही अक्षरशः उद्धृत किया है। तो कई जगह इन्होंने जो प्रमाण दिए हैं वो जो भाष्य वगैरह आर्य समाज के लोगों ने किया है उन्हीं के आधार पर उन्होंने आक्षेप का भी निराकरण किया है कि इस ग्रंथ में आर्य समाज के ही लोग ये कह रहे हैं, तो उसके आधार पर ये आक्षेप किसी भी प्रकार से बनता नहीं है। यद्यपि हम स्वयं समझते हैं कि यह अर्थ अनेक त्रुटियों से पूर्ण है तथा भरसक खींचातानी करके पुराणों के प्रामाण्य को उड़ाने की दुष्चेष्टा से अस्त व्यस्त हैं, तथापि जादू तो वह है जो सिर चढ़ बोले वाली लोकोक्ति के अनुसार हमने उदारतापूर्वक उनको उद्धृत करके यह दिलाने का प्रयत्न किया है कि कितनी ही खींचातानी क्यों ना की जाए आखिर सत्य भी सात तवे फोड़कर प्रकट हुए बिना नहीं रहता। तो उन्होंने काफ़ी प्रमाण जो है वो आर्य समाज के ग्रंथों से ही लिए हैं और उसमें आर्य समाज के भी बहुत सारे ग्रंथ इसलिए पुस्तक में कोटेड है। आदि पुराण के स्मर्ता और वक्ता, इसमें वही पुराण निर्माणाधिकरण वाला जो खंड है वह आ जाता है। यहाँ पर ये नाम हमने पुराण विमर्श के वीडियो में भी लिया था जहाँ पर ये क्लेम किया जाता है कि बोपदेव करके एक पंडित थे, उन्होंने श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की है, तो उसका खंडन पुराण विमर्श में भी बहुत डिटेल में किया गया है और यहाँ भी उसका खंडन किया गया है। खंडन के दौरान ही एक यहाँ पे टिप्पणी आई है जो मुझे लगता है श्री ज्ञानेश्वरी जो श्रीमद्भगवद्गीता की टीका है जिस पर चैनल पर वीडियो भी उपलब्ध है, गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित जो पुस्तक है उसके ऊपर, उसके बारे में भी एक टिप्पणी आ रही है। बोपदेव का जो परिचय यहाँ दिया गया है कि असल में बोपदेव कौन थे, वहाँ ये कहते हैं इसके अतिरिक्त बोपदेव हिमाद्री भी हमने नाम सुना है, शायद ये वही हिमाद्री हों जिनकी कर्मकांड संबंधित निबंध ग्रंथ आती है, जिसके आधार पर निर्णय सिंधु, जो दो मूल ग्रंथ हैं जिनके आधार पर निर्णय सिंधु ग्रंथ बना है उसमें से एक हिमाद्री है। इसके अतिरिक्त बोपदेव हिमाद्री का आश्रित था और हिमाद्री ने सन 1347 में दक्षिण देशस्थ अलदी ग्रामवासी महात्मा ज्ञानेश्वर जी से गीता के ऊपर विज्ञानेश्वरी नाम की टीका बनवाई थी। तो शायद ये श्री ज्ञानेश्वरी का ही संदर्भ है। तो इस पूरे अध्याय के बारे में लिखते हैं, इस तरह इस अध्याय में सत्यार्थ प्रकाश, कुलियात, आर्य मुसाफिर, पुराण तत्व प्रकाश, पुराण मत पर्यालोचन तथा अनन्यान ट्रैक्टों में हम किए गए प्रतिवादियों के समस्त आक्षेपों का समाधान आ गया है। हाँ, ये बस दिखाने के लिए है किस प्रकार से इन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। कोई भी जैसे अधिदैवत पक्ष, अध्यात्म पक्ष, अर्थ विचार, इस तरह से इन्होंने जो शंका समाधान है वह प्रस्तुत किया है। यहाँ पर ही ये जो समाधान है उसके पहले वाले अध्याय में ही ये चंद्रमा का गुरु पत्नी गमन जो है वो ज्योतिष या खगोल के आधार पे एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि फिर पुराण विमर्श में आचार्य बलदेव उपाध्याय कहते हैं कि वो इस एक्सप्लेनेशन से सहमत नहीं हैं और उन्होंने फिर अपना एक्सप्लेनेशन दिया इस आख्यान का। यहाँ फिर ब्रह्म और बाल के लिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी में पहले दिया गया है, फिर उसका वैदिक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है बिल्कुल प्रमाण के साथ, और मूल दिया गया है किस ग्रंथ से लिया गया है, उसका हिंदी अनुवाद दिया गया है, फिर पौराणिक स्वरूप मूल संस्कृत और उसका हिंदी अनुवाद दिया गया है, वैदिक और पौराणिक स्वरूप में तुलना की गई है, और फिर वास्तविक भाव प्रस्तुत किया गया है जिसके अंतर्गत पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है वैज्ञानिक रूप से या फिर आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक रूप से। सत सहस्राब्दी शब्दों का अर्थ बहुत भी है। इस शब्द के अर्थ को लेकर हमने पुराण परिशीलन में ही देखा था जहाँ सहस्त्र शब्द को पूर्ण अर्थ में लिया था उन्होंने, और यहाँ पर वो बहुत अर्थ बता रहे हैं। हालांकि लंबी चर्चा है यहाँ पे सत और सहस्राब्दी शब्दों में, और आयु के भी लेके लंबी चर्चा यहाँ की गई है। इस प्रकार से किसी प्रकार का इसमें अनुक्रमणिका इत्यादि वो सब नहीं है। अंत में यही पृष्ठ संख्या 792 पे पुस्तक जो है वो समाप्त हो जाती है। तो
भाषा शैली जो है वो बहुत ही सरल है और बोलचाल की भाषा है, और जो शंका समाधान है और जो आक्षेप हैं उनका बहुत ही स्पष्ट रूप से इसमें समाधान प्रस्तुत किया गया है, और बिल्कुल प्रमाण लेके आक्षेपों को भी किस पुस्तक से लिया गया है या किन की लेखनी से लिया गया है, कहाँ लिया गया है, क्या आक्षेप है, बहुत ही सुंदर तरीके से उसका निराकरण किया गया है। तो ये थी कुछ जानकारी माधव विद्या भवन दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुराण दिग्दर्शन ग्रंथ के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।